शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। नोएडा के होशियारपुर मार्केट में ये घटना हुई है। मार्केट में एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर से युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी ने युवती को पांचवी मंजिल से धक्का दे दिया, फिर उसको तड़पती हालत में उठाकर फरार हो गए। आरोपी युवक ने उसके शव को जलाने की भी कोशिश की। मंगलवार सुबह हुई इस घटना में पुलिस आरोपी को दिन भर तलाश करती है और फिर आरोपी को घटना स्थल से काफी दूर पकड़ा गया, जबकि ये घटना भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई थी। मिली जानकारी के मुताबिक कई महीनों से शीतल नाम की युवती को गौरव नाम का युवक परेशान कर रहा था। उसके परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि बताया है कि नोएडा के सेक्टर 49 थाने में इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। फिलहाल पुलिस ने सुबह के घटना के बाद आरोपी युवक के मोबाइल लोकेशन से उसको गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उसके पास से लड़की की बॉडी को भी रिकवर किया है। पुलिस इस मामले में अब परिजनों का स्टेटमेंट ले रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपका नाम? मेरा नाम कुणाल है। कुणाल, आज क्या घटना हुई आपके परिवार में? आज घटना ये हुई कि एक लड़के ने मेरी बहन को छत पे से फेंक दिया, चौथी मंजिल से। अच्छा, कौन था वो लड़का? वो लड़का उस लड़के का पीछा करता मेरी बहन का बहुत दिन से। अच्छा, तो आपने कभी इसकी शिकायत करने की कोशिश करी पुलिस के पास? ऐसा भी दो एक महीने पहले शिकायत की थी। वो घर पा के 32 का गया था, सुबह सुबह 6 बजे का टाइम था जी। कंप्लेंट करी गई पुलिस में, पुलिस से कंप्लेंट करी गई तो उसके बाद वो लड़का आया वहाँ पे, वो पकड़ा गया। पुलिस वाले ने थाने गए, थाने में जाके पुलिस वाले ने हमें डरा धमका के किसी भी कारण से हमें लिखवा लिया कि समझौता कर लो, कुछ नहीं होगा। तो हमने समझौता कर लिया, उस लड़के को छोड़ दिया गया। हमने कहा कि अब इस पर एक्शन लिया जाए, कल को हमारी बहन को मार दे तो क्या होगा। तो उनका समझौता कर लो, कुछ नहीं होगा, वैसी गलती से हो गया होगा, लड़का माफ़ी मांग रहा है, इस तरीके से उसने कर दिया। आज पूरी क्या घटना? सेक्टर 49 में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती छत से कूद गई है, जिसे लेके उसके परिजन अस्पताल गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची तो ज्ञात हुआ कि ये 22 वर्षीय युवती छत से गिर गई है या कूद गई है, और उसका जो भाई है गौरव, वो उसे लेके अस्पताल गया है। वहाँ पूछताछ की गई तो ज्ञात नहीं हो पाया किस अस्पताल गया है। फिर जानकारी करने पे मालूम चला कि ये जो युवक गौरव है उसका भाई नहीं है, तो उसका मित्र था और विगत कई वर्षों से इनकी आपस में दोस्ती थी। ये युवती इस युवक से दोस्ती नहीं रखना चाह रही थी, लेकिन युवक उसके पीछे पड़ा हुआ था। इस बात की कंप्लेंट भी 29 सितंबर को थाने पर की गई थी। दोनों के परिजन भी आए थे और लड़के द्वारा वहाँ पर गलती मानी गई, स्वीकार किया गया कि वो अब लड़की से कोई संपर्क नहीं रखेगा। लिखित में उनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई, जिसका जीडी पे तस्करा भी पड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा एहतियातन 151 में इसको गिरफ्तार भी किया गया था, और ये व्यक्ति आज उससे मिलने आया लड़की से पुनः, और इसके द्वारा ज़बरदस्ती की गई कि लड़की उसके संपर्क में रहे, लड़की द्वारा मना किया गया तो इस युवक द्वारा उसे धक्का दे दिया गया और यहाँ से उसकी डेड बॉडी लेके भाग रहा था। पहले गाजियाबाद गया, उसके बाद मेरठ की तरफ जा रहा था, ये फ़ोन नहीं उठा रहा था। सर्विलांस से इसका लोकेशन ट्रेस किया गया और पुलिस युवती के परिजनों को लेकर साथ में गई और गाजियाबाद से इसको पकड़ा गया। पकड़े जाने पर इसने सारी घटनाक्रम स्वीकार किया, इसे लेके वापस आया। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट्टी, सबसे पहले भारत।